नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 की लेसन नंबर 11 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह के भाग प्रथम में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह कौन कौन से समूह होते हैं जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें OH। OH को अपन कहते हैं हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी जो समूह होता है उसमें यदि अपन बात करें ऑक्सीजन उपस्थित होता है। जब यह हाइड्रोक्सी समूह एल्किल समूह के साथ जुड़ता है तो इसको अपन कहते हैं एल्कोहल। जब यहां पर एच के स्थान पर या अपन कहें कि यहां पर ओ आर समूह उपस्थित होता है तो इसको अपन कहते हैं ईथर। जब यहां पर आर के स्थान पर बेंजीन उपस्थित होता है तो इसे अपन कहते हैं फिनोल। तो जब OH को अपन कहते हैं हाइड्रोक्सी, जब यहां पर एल्किल समूह उपस्थित होता है, आर को अपन कहते हैं एल्किल समूह, कार्बन 1, 2, 3 कितने भी कार्बन यदि उपस्थित होते हैं तो उसको अपन कहते हैं एल्कोहल। जब यहां पर यदि अपन कहीं बेंजीन उपस्थित होती है तो उसको कहते हैं अपन फिनोल। और जब OH के स्थान पर यदि OR उपस्थित होता है तो इसे अपन कहते हैं ईथर। या कहें कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ यदि एल्किल समूह या एरिल समूह, एल्किल समूह मतलब होता है कार्बन 1, 2 कितने भी यदि कार्बन उपस्थित होते हैं तो इसको अपन कहते हैं एल्किल या एल्काइल। जब यहां पर बेंजीन रिंग उपस्थित होती है, बेंजीन रिंग, तो इसको अपन कहते हैं एराइल या एरिल। तो इस लेशन में अपन पढ़ेंगे तीन समूह है, एल्कोहल, ईथर और फिनोल। कैसे इनका निर्माण करते हैं, कैसे ये रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, कैसे इनका नामकरण लिखा जाता है, वो सभी जो बातें हैं अपन इस लेशन में पढ़ते हैं। तो पहले अपन इस लेशन में यदि अपन बात करते हैं तो अपने स्टार्ट करते हैं ROH। ROH को कहते हैं एल्कोहल। या एल्कोहल। सबसे पहले अपन करते हैं इनके नामकरण के बारे में बात, कि इनका नामकरण कैसे लिखा जाता है। नॉर्मल नेचर नामकरण, तो नामकरण की दो पद्धतियां होती है। पहली होती है सिंपल या सामान्य, और दूसरी जो पद्धति होती है वह कहलाती है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दो पद्धतियां होती है, पहली होती है सिंपल और दूसरी होती है IUPAC। सिंपल जो पद्धति होती है इसके लिए अपन को लगाना है सबसे पहले एल्किल, एल्किल मतलब जितने कार्बन है, और उसके बाद में आपको लगाना है एल्कोहल। पहले एल्किल और उसके बाद में एल्कोहल। एल्केन, उसके बाद में आपको लगाना है नंबर, और लास्ट में अपन को लगाना है ओल। एल्केन, उसके बाद में नंबर, कौन सी स्थिति पर है, प्रथम पर, दूसरे पर, तीसरे पर, और अंत में लगाना है ओल। यदि अपन बात करें सिंपल, जैसे अपन एग्जांपल के बारे में बात करें CH3OH, जब इसकी सामान्य पद्धति में बात करते हैं तो इसको कहते हैं अपन मैथिल, एक कार्बन को मैथ कहते हैं, तो मैथिल, और अंत में लगाना आपको एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल। इसी प्रकार से IUPAC में बात करें तो IUPAC में एक कार्बन को मैथ कहते हैं और अंत में ओल लगाना है, तो नाम हो जाएगा मेथेनोल, मेथेनोल। एक कार्बन के लिए आपको नंबर नहीं बताना है, 1, 2
तक कोई नंबर नहीं है बताती है, दो से ज्यादा हो जाती है तो अपन इसकी स्थिति बताते हैं कि कौन से कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। अब अपन बात करें जैसे दो कार्बन की C2H5OH, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, दो कार्बन है, दो कार्बन को अपन कहते हैं एट और अंत में आपको लगाना इल एथिल और जोड़ देना है अंत में एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसी प्रकार से यदि अपन बात करिए IUPAC में तो दो कार्बन को एट और अंत में ओल लगाना है तो नाम हो जाएगा एथेनॉल। इसी प्रकार से तीन कार्बन CH3 CH2 CH2 OH, टोटल तीन कार्बन है, तीन कार्बन को कहते हैं प्रोपेन तो नाम हो जाएगा सिंपल में प्रोपिल और अंत में लगाना है आपको एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। अब क्या होता है कि यदि सीधी चेन होती है तो उसके लिए सिंपल पद्धति में लगाया जाता है नॉर्मल, तो इसके आगे लग गया नॉर्मल। अब IUPAC में तीन कार्बन को कहते हैं अपन प्रोपेन, तीन कार्बन को प्रोपेन और इसकी स्थिति बतानी है आपको कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। हमेशा काउंटिंग उस साइड से की जाती है जिधर से अपन को OH को कम अंक प्राप्त हो। तो यहां पर यदि अपन बात करें OH, यहां पर इस साइड से करते हैं प्रथम नंबर पर आता है, इस साइड से करते हैं तो तीसरे नंबर पर आता है, तो इसको नाम होगा प्रोपेन वन ओल। अब दूसरा यदि अपन बात करें CH3 CH OH CH3, इसको IPSC में पहले पर बात करें सिंपल में तो इसके लिए लगाना आपको आइसो, तीन कार्बन के लिए प्रोपिल और अंत में लगाना है एल्कोहल, आइसो प्रोपिल एल्कोहल। यदि अपन बात करें कि IUPAC में कैसे लिखेंगे तो IUPAC में तीन कार्बन को अपन कहती है प्रोपेन और कौन से कार्बन से यहां पर OH जुड़ा हुआ है तो ये प्रथम ये सेकंड, अपन इधर से भी कर सकते हो फर्स्ट और सेकंड, तो इस प्रकार से आप नामकरण लिखते हैं। तो ये कहलाता है प्रोपेन टू ओल। आगे बात करते हैं चार कार्बन CH3 CH2 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 OH, चार कार्बन को कहते हैं ब्यूट, ब्यूट के अंत में लगाना आपको इल, ब्यूटिल इंग्लिश में ब्यूटाइल और एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल। अब वही बात है कि यदि सीधी चेन है तो इसके आगे लगाना आपको नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। IUPAC में चार कार्बन को कहते हैं ब्यूट, अंत में एन लगाते हैं ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन वन ऑल। इसी प्रकार से यदि अपन बात करें CH3 CH2 CH2 CH3 और इस पर यदि अपन मैं OH जोड़ता हूं तो देखो ये कार्बन कहलाता है प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन कहलाता है सेकेंडरी, ये भी कहलाता है सेकेंडरी, ये कहलाता है प्राइमरी। कैसे कि यहां पर ये कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कहलाता है प्राइमरी, ये कार्बन अन्य दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है एक इधर जुड़ा हुआ है तो यह कहलाएगा सेकेंडरी। ये कार्बन है ये भी दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है एक इधर, तो ये है सेकेंडरी। ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यह कहलाएगा प्राइमरी। तो अपन बात करें कि यहां पर इसका क्या नाम होगा तो इसका नाम होगा सेकेंडरी लिख सकते हैं SEC सेकेंडरी, द्वितीयक ये अपन लगा सकते हैं सेकेंडरी, हिंदी में लिखें तो द्वितीयक या इंग्लिश में लिखें SEC सेकेंडरी या द्वितीयक। और उसके बाद में वही नाम है चार कार्बन को ब्यूटिल और अंत में लगाना आपको एल्कोहल। अपन बात करें इसका तो IUPAC में चार कार्बन को
ब्यूट और अंत में एन लगाने हैं, उसके बाद में कौन से कार्बन से ओएच जुड़ा हुआ है, टू ऑल। हमेशा काउंटिंग उस साइड से की जाएगी जिधर से लोअरिंग अंक मिले ओएच को, तो यहां पर यदि अपन बात करें इधर से वन और ये टू, तो यहां पर अपन इस प्रकार से इसकी काउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट बात करें CH3, CH2OH। तो यहां पर ये जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है, प्राइमरी। प्राइमरी के लिए कभी भी प्राइमरी नहीं लगाना है आपको, प्राइमरी के लिए तीन शब्द, या तो नॉर्मल या आइसो या नियो, नॉर्मल आइसो या नियो। जैसे ये सीधी चेन है, यहां पर ये कार्बन प्राइमरी है, यहां पर आपको नॉर्मल, यहां पर प्राइमरी नहीं लगाना है, यहां पर सीधी चेन होने पर नॉर्मल, एक ब्रांचेज होने पर आइसो और दो ब्रांचेज होने पर नियो शब्द यूज करना है आपको। तो ये है तो प्राइमरी, ये प्राइमरी है, लेकिन यहां पर प्राइमरी शब्द यूज नहीं लेना आपको, यहां पर आपको क्या शब्द लोगे आप, तो ये यदि इस पर ये कार्बन होता है एक सीधी चेन बन जाती है अपने पास, तो ये अपन बात करेंगे इसका नाम हो जाएगा आइसो। चार कार्बन को अपन कहते हैं ब्यूटील, आइसो ब्यूटील, और अंत में लगाना आपको एल्कोहल, आइसो ब्यूटील एल्कोहल। अपन बात करें आईयूपीएसी की, तो आईपीएससी में लंबी कार्बन चेन जो होती है उसका सिलेक्शन किया जाता है, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, तीन कार्बन की होगी एक दो तीन, या इधर से भी अपन काउंटिंग कर सकते हैं एक दो तीन, तीन कार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो नाम होगा तीन कार्बन को अपन कहते हैं प्रोपेन। कौन से कार्बन पर ओएच जुड़ा हुआ है, तो वन कार्बन पर हमेशा काउंटिंग कम कार्बन, इधर से नहीं करेंगे, इधर से पहले नंबर पर आ रहे तो इधर से करेंगे। और ये जो है अपने पास ये प्रतिस्थापी कहलाता है, जो कार्बन श्रृंखला में नहीं आता है उसको अपन प्रतिस्थापी कहते हैं, और प्रतिस्थापी हमेशा जो नाम होता है उससे पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा टू। टू पर ये जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, मेथ, और प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट के पहले हमेशा इल लगाया जाता है, तो नाम हो जाएगा टू मेथ प्लस इल मिथाइल या मेथिल प्रोपेन वन और। नेक्स्ट अपन बात करें जैसे CH3OH, तो ये कैसा होगा, तो देखो ये कार्बन प्राइमरी है, ये कार्बन भी प्राइमरी है, ये कार्बन प्राइमरी है, लेकिन ये जो कार्बन है वह टर्शियरी है, क्योंकि इस कार्बन से अन्य तीन अन्य कार्बन और जुड़े हुए हैं, एक ऊपर इधर इधर, तो इससे तीन अन्य कार्बन जब जुड़े हुए होते हैं तो यह कहलाता है टर्शियरी या तृतीयक कार्बन। तृतीयक जो कार्बन है उस पर ओएच जुड़ा हुआ है तो यह कहलाएगा तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल, और अंत में लगाना आपको एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इसका यदि अपन आईपीएससी नाम करें तो लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करें तो इसके पास तीन कार्बन है, लंबी से लंबी जो श्रृंखला है उसके पास तीन कार्बन है, और तीन कार्बन होने के कारण इसका नाम हो जाता है प्रोपेन। कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह है दूसरे कार्बन से, तो प्रोपेन टू ऑल, एक ऊपर की तरफ बच गया तो उसको पहले लिखेंगे अपन, तो टू पर मेथिल है, तीन कार्बन की लंबी चेन बनेगी और उसके दूसरे कार्बन पर ओल जुड़ा हुआ है।